दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाषा सुयाल और आप देख रहे हैं फूडी अभी। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्गे के पंजे। इसके लिए मैंने 1 किलो मुर्गे के पंजे ले लिए थे और उसको 9 से 10 बार अच्छे से पानी में धुल लिया था, ठंडे पानी में, और इसके जो नाखून होते हैं उन्हें अच्छे से काट दिया था। आप नाखून बॉईल करने के बाद भी काट सकते हैं। तो मैंने इन्हें अच्छे से पानी में डाल दिया था और 1 चम्मच नमक डालकर इसे 10 मिनट तक बॉईल करा था। फिर मैंने इसे वॉश कर इसकी स्किन निकाली। बट आप मेरी माने तो आप इसे जब बॉईल करते हैं तो इसे वॉश ना कर उसी में फटाफट इसकी स्किन निकाल लें, क्योंकि उससे जब ये गर्म रहते हैं तो फटाफट इसकी स्किन निकल जाती है। आप ये गलती ना दोहराएं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सारी स्किन निकाल दी है और उसके बाद मैंने इसे अच्छे से ठंडे पानी से धुल लिया है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने एक बॉल लिया है, उसके बाद मैंने इसमें 2 अंडे डाले थे। हम इसका बैटर तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर इसके बाद आपको अंडे को अच्छे से फेंटना है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दें, जिस हिसाब से आप कम या ज़्यादा खाते हैं। ये गई इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, चुटकी हल्दी, ये गया धनिया पाउडर, सो फ्रेंड्स ये गया है बेसन, मैदा, बेसन, आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि जितने भी लम्स होते हैं यानी कि गांठें वो उसमें ना रहें और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसमें हल्का सा पानी ऐड करा क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, इसके लम्स हट नहीं रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। एक चम्मच बेसन ऐड करा, इसे अच्छे से मिक्स करा। सो फ्रेंड्स, ये गई कलर वाली लाल मिर्च। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसे फ्राई करेंगे। ध्यान दें, आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम में ही फ्राई करें क्योंकि हमें इसे अच्छे से पकाना है ताकि ये कुरकुरे भी रहें और अंदर से अच्छे से पक भी जाएं, कच्चे ना रहें। इसे मैंने 9 से 10 मिनट तक फ्राई होने दिया, वो भी लो फ्लेम में, ताकि ये अच्छे से पक जाएं। आप भी इसे ऐसे ही रखना 9 से 10 मिनट तक। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे 9 से 10 मिनट बाद अच्छे से चला लिया था और ध्यान दें आप इसे बीच बीच में पलटते भी रहें ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाएं और कुरकुरे हों। देखिए मुर्गे के पंजे कितने डिलीशियस लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये है इवनिंग स्नैक्स कुरकुरे
मुर्गे के पंजे रेडी हैं। आप इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ भी।